कोविड को हराने के लिए समाज का हर वर्ग यथासंभव सहायता कर रहा है। इसी कड़ी में जिला बिलासपुर केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से करीब 5.5 लाख रुपए की दवाइयां तथा कोविड संबंधी उपकरण डीसी बिलासपुर को भेंट किए। बाद में ये सामान सीएमओ डॉक्टर प्रकाश दड़ोज को सौंपा गया। इस मौके पर जिला केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान हेमंत शर्मा ने कहा कि वैश्विक बीमारी कोरोना को हराने के लिए इसमें हाथ को हाथ का साथ है। ऐसे हालातों में केमिस्ट भी कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं। इस समय केमिस्ट साथी 24 घंटे जनता की सेवा में डटे हुए हैं। मैं हेमंत शर्मा, प्रेसिडेंट केमिस्ट एसोसिएशन बिलासपुर, आप पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने जिला के केमिस्ट जितने भी हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और हमारे बिलासपुर के ड्रग इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा जी, गुमारवीं ड्रग इंस्पेक्टर संजना जी और हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट एनडी शर्मा जी, रमेश गुप्ता जी, जनरल सेक्रेटरी अरविंद महाजन जी, संजीव गुप्ता जी, चीफ फार्मासिस्ट राकेश चंदेल जी, रमेश गुप्ता जी और आशुतोष शर्मा जी, नीतू शर्मा जी, इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज हम पूरे ज़िले के केमिस्टों के सहयोग से जिला बिलासपुर में कोविड पेशेंटों के लिए 10,000 टैबलेट आइवरमेक्टिन 10,000 कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन विद लैक्टोबैसिलस, 10,000 विटामिन सी विद जिंक, 3,000 टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 और 480 100 ml सैनिटाइजर जो है वो हमने सबके सहयोग से जो है जिला अस्पताल को दान दिए। और इसके लिए डीसी साहब के माध्यम से, सीएमओ साहब के माध्यम से आज हमने राकेश चंदेल जी को ये सारी जितनी भी दवाइयाँ हैं वो दी हैं। इन सब की जो एक MRP प्राइस बनता है वो 5,72,000 के करीब भी बनता है। उसके लिए मैं अपने जिला के सभी केमिस्टों का और अपने ड्रग इंस्पेक्टर्स दिनेश जी, अंजना जी, सीएमओ साहब दड़ोज जी और डीसी साहब, उन सब का धन्यवादी हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवादी मैं पत्रकार बंधुओं का जो कोविड के इस कार्यक्रम में अपना पूरा ध्यान रखते हुए बाकियों का भी ध्यान रख रहे हैं और पूरी सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद।